मेमना जो निष्पाप निष्कलंक हो सके. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. यदि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करें, विचार करें इस बात को, यदि मैं और आप अपने जीवन में यदि सोचें, तो मेरे प्रियो आज प्रभु हमारे मध्य में है. हमारे अपराधों को क्षमा करने में वो विश्वास योग्य. हम यदि कहें कि हम में कुछ खुद को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, खुद को धोखा देते सत्य नहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. हम मिट नहीं गए, है उसकी दया मर है, हम मिट नहीं गया. सब पापों से शुद्ध हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है उसकी है. हम मिट नहीं गए. हालेलुया. सच बात है मेरे प्यो, हमारे पाप कैसे भी परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी चंगाई है. हमारे जीवन की सबसे बड़ी वो चंगाई है कि जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर दे सकता है. हमारे जीवन में हमारी इच्छा पूरी नहीं होती. मैं आज बता रहा हूं मेरे प्रियो, हम सोचते रहे कि हम पाप करते रहे और प्रार्थना करते रहे, ये दोनों एक दूसरे के बैक. कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुने. हम प्रभु के भवन में आए हैं, खड़ा है वो पवित्र है. हालेलुया. मूसा जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है अपनी ज्योति. मेरे प्रियो, जब हम भी अपने अपराधों को हम मान लेते हैं कि सच में मेरी जूती में अपराध है, मेरे पांव में अपराध गुनाह है, मेरे अपराध के भरा हुआ ये वो मन है, जब हम उसे उतार देते हैं और जब प्रभु की सामर्थ्य हमें छूती है, प्रभु की सामर्थ्य हमें छूती है. मेरे प्यो, कैसा हो सकता है कि मेरे प्यो सच पाते मेरे प्यार किया, हम पापी थे तब प्रभु आया हमें क्षमा करे. क्यों क्षमा करे? ताकि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने. हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड. बहुत बार सोचते हैं मेरे प्यो कि हम अपनी प्रार्थनाओं की सकते हैं. एक बार मुझे भी लगता था कि मैं बहुतों के लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रभु का वचन साफ साफ मुझे सुनाई दिया. मैंने कई बार इस बात को चर्चा की, यदि यहेजकेल नबी की किताब उसका 13 और 14 पद पढ़िए,
यहेजकेल नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसका हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग करके पापी हो जाएं, देखिए मेरे प्रियो पापी हो जाएं, विश्वासघात करें, और मैं अपना हाथ उस देश का अन्न रूपी आधार दूर करूं, अन्न रूपी आधार दूर करूं, और उसमें अकाल डालकर उस पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, मेरे और आपके नहीं। फिर कौन ऐसा है जो मेरे लिए प्रार्थना करे? फिर कौन है जो मेरे लिए प्रार्थना करे और वो प्रार्थना सुनी जाए? क्या अय्यूब आकर मुझसे प्रार्थना करे? क्या नूह मेरे लिए प्रार्थना करे? वो तो धर्मी है, वो अपनी प्रार्थना से अपने आप को बचा लेंगे, पर क्या मुझको और आपको बचा लेंगे? यही मुश्किल है आज के विश्वासियों का जीवन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यदि मेरे तो मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक सुनी जाएगी। फिर मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे प्रियो करे, मेरे घर का बच्चा मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उसको सुनेगा। प्रेयर टावर का ये जवान प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा। आज बहुत ही छोटे आयु के हैं, पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इसकी प्रार्थना से मुर्दे जिलाए जाएंगे। क्योंकि प्रार्थना में ताकत है मेरे पियो, प्रार्थना में कितनी ताकत है, केवल चंगाई ही नहीं किए जाते हैं। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि मैं और आप परमेश्वर के भवन में, प्रभु के मंदिर में, सच बात है मेरे प्रियो, आज मैं और प्रियो, आज ये हमारे जीवन का प्रश्न है, हमारे जीवन की ये बातें हैं। लोग सोचते हैं मेरे प्रियो 99% समस्या जादू तंत्र मंत्र के कारण है। कोई तो कहता है तेरे घर ही तेरे विरुद्ध में खड़ा है, तेरे घर वाले तेरे लिए जादू कर रहे हैं। इस गढ़ के लोग, यीशु मसीह आपके साथ है तो विश्वास नहीं करेंगे, भूत आपके साथ है तो विश्वास करेंगे। Praise the Lord. सच बात है मेरे प्यो, आज भूत का इतना डर है कि लोग भूत है बोल दीजिए उस घर में। यो बहन डॉक्टर है, इतनी पढ़ी लिखी है मेरे प्रियो। एक दिन मैं एक भरोस फैमिली में प्रेयर करने के लिए अभी गया हुआ था। हम प्रेयर कर रहे थे, अचानक भयानक, और मेरे प्रियो